जांजगीर जिले के ग्राम हथनेवरा के ग्रामीण कई तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। ठंड के मौसम में भी ग्रामीणों को पेयजल संबंधी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, पक्का रास्ता नहीं होने से ग्रामीणों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गांव के कई ग्रामीणों ने इसकी शिकायत कलेक्टर से की है, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक कोई समस्या का समाधान नहीं हो सका है। परेशान ग्रामीणों ने इस बार कलेक्टर से अपनी गुहार लगाई है। जांजगीर जिले का हथनेवरा गांव चौतरफा समस्याओं से घिरा हुआ है। प्रशासनिक उदासीनता के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ठंड के मौसम में भी ग्रामीण पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं। गांव में पक्का रास्ता नहीं है, जिससे ग्रामीणों को आने जाने में काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। बरसात के मौसम में तो मार्ग की हालत काफी खराब हो जाती है। इतना ही नहीं, गांव के कई ग्रामीणों को इंदिरा आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। कई बार आवेदन देने के बाद भी समस्या जस की तस बनी हुई है। परेशान ग्रामीणों ने कलेक्टर के पास पहुंचकर अपनी समस्या से उन्हें अवगत कराया है। सर, पानी की समस्या है सर। पानी नज़दीक में पानी नहीं है, दूर जाए पड़ते हैं पानी के बर तकलीफ में। पानी बिना दूर में है पानी है, और अभी सरकारी आते हैं ना वो आ नहीं पाते, रोकथाम हुआ थे हाँ, तो पानी की मुसीबत है ना सर। डहर रोकथाम करते सबके समस्या छे हमारे लोग इंदिरावास शासन। अब पानी चाहत हैं सन हाँ, आ जाए के रास्ता चाहिए और पानी चाहिए हमारे लोग। पानी के व्यवस्था जो सरकारी पानी जाते हैं पानी जा नहीं पाते, ना बोर खुदाई नहीं होते, नीचे से पानी नहीं निकल पाते, और डहर चाहिए हमारे लोग। डहर से रुकावट होते बार बार, मतलब सरपंच करा थे लेकिन हो नहीं पा थे, ओकरे लिए आए हैं। पानी के समस्या के नाम से आए हैं। पानी 1 किलोमीटर दूर से मन आथन पिए इंदिरा आवास पे, तो हमें रास्ता चाहिए और पानी चाहिए। कलेक्टर ने ग्रामीणों को उनकी समस्या समाधान का आश्वासन दिया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि गांव में मौजूद बुनियादी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द हो जाएगा। ग्रैंड एसए न्यूज के लिए जांजगीर से महेंद्र कुमार के साथ भरत सिंह चौहान की रिपोर्ट।